हेलो दोस्तों दोस्तों अभी तक हमने जनवरी, फरवरी और मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस को देख लिया था। चलिए अप्रैल माह में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस है देखते हैं। देखिए, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल मनाया जाता है दुनिया भर में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में 2 अप्रैल के दिन को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस घोषित किया है। देखिए, ऑटिज्म को आत्मविमुख कहते हैं। एक मानसिक रोग या मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला एक विकार है, जो विकास संबंधी एक गंभीर विकार है। ठीक है, इसका जो लक्षण है बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में ही नजर आने लगता है। जैसे अलग अलग सा रहना, एक ही काम को बार बार कहना या करना, ये इसके लक्षण है। देखिए, 4 अप्रैल को विश्व खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर 2005 को जनरल असेंबली ने घोषणा की कि हर साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह पहली बार 4 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। देखिए, इसको मनाने का उद्देश्य क्या था? उन देशों में राष्ट्रीय खदान कार्य क्षमता स्थापित करना और विकसित करने में सहायता करना जहां खदानों और विस्फोटक युद्ध अवशेष सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं। ठीक है, इस बार इसका थीम रखा गया था सेफ ग्राउंड सेफ होम। ठीक है, देखिए, भारत में राष्ट्रीय समुद्र दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। यह पहली बार मनाया गया था 1964 में। ठीक है, यह जो है इसका जो उद्देश्य है मनाने का, यह दिवस वैश्विक अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए मनाया जाता है। इस बार जो इसका थीम रखा गया था वह था हिंद महासागर अवसर का एक महासागर। ठीक है, रखा गया था। देखिए, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 1948 में WHO ने प्रथम विश्व स्वास्थ्य सभा का गठन किया। इस सभा ने 1950 से प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 2019 का इसका थीम था हर कोई हर जगह, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अनुसार। ठीक है, रखा गया था। देखिए, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस जर्मन चिकित्सक हैनीमैन के जन्म दिवस और होम्योपैथिक जनक के रूप में यह विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। देखिए, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन द्वारा पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की वर्षगांठ पर किया जाता है। ठीक है, इस दिवस को मनाने के लिए 7 अप्रैल 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 65वें सत्र में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस उन मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के रूप में मनाया जाता है जो 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश पर गोली चलाई गई, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को ये अपने 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में बैसाखी के दिन एक विशाल सभा जलियांवाला बाग में कर रहे थे। ये रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए थे। देखिए, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में मनाई जाती है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में मान्यता प्राप्त भारतीय गणराज्य के संपूर्ण अवधारणा के निर्माण में अंबेडकर का योगदान बहुत बड़ा है। देश के लिए उनके योगदान और सेवा का सम्मान करने के लिए उनका जन्मदिन हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है हीमोफीलिया और अन्य विरासत में मिले रक्तस्राव विकारकों के बारे में जागरूक करना। ठीक है, इस बार इसका थीम रखा गया था आउटरीच और पहचान। देखिए, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद द्वारा स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 अप्रैल 1982 को प्रस्तावित किया गया था। 1983 में यूनेस्को की महासभा में अनुमोदित किया गया था इसे। इसको मनाने का उद्देश्य है मानवता की संस्कृति विरासत की विविधता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। इन विरासतों को संरक्षित करने का एक प्रयास किया जा रहा है। देखिए, 22 अप्रैल को हर साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार 1970 में मनाया गया था। इस बार जो इसका थीम रखा गया था वो था प्रोटेक्ट अवर स्पीसीज। देखिए, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है, जिसे विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस या पुस्तक के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जाना जाता है। विश्व पुस्तक दिवस पहली बार 23 अप्रैल 1995 को मनाया गया था।
इसको मनाने का उद्देश्य यह है कि यूनेस्को के द्वारा इसे पढ़ने, प्रकाशन और कॉपीराइट को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, देखिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था। देखिए 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य सभा के 60वें सत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 2007 में प्रायोजित एक बैठक में प्रस्तावित किया गया कि दुनिया भर के देशों में मलेरिया के अस्तित्व की पहचान करके और लोगों में जागरूकता लाने के लिए अफ्रीकी मलेरिया दिवस को विश्व मलेरिया दिवस में बदल दिया जाए। ठीक है, जो इस बार इसकी थीम रखी गई थी वह था जीरो मलेरिया की शुरुआत मेरे साथ। देखिए 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इसको विश्व आईपी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह विश्व बौद्धिक संपदा कार्यालय द्वारा स्थापित किया गया था। यह नवाचार और रचनात्मकता को उत्तेजित करने में आईपी की भूमिका को बढ़ावा देता है। ठीक है, जो इस बार इसकी थीम रखी गई थी वह था सोने के लिए पहुंच, आईपी और खेल रखा गया था। देखिए 2019 में 7 से 13 अप्रैल तक यह पूरा सप्ताह यह विश्व एलर्जी सप्ताह के रूप में मनाया गया था। इसका उद्देश्य था लोगों में एलर्जी के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, देखिए 24 से 30 अप्रैल तक पूरा सप्ताह यह विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया गया। यह टीके से बचाव योग्य बीमारियों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और टीकाकरण की दरों को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक कार्यक्रम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंथ के साथ मिलते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।